हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फ्लू वैक्सीन के बारे में। फ्लू वैक्सीन यानी स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, इस तरह की बीमारियों के बारे में आपने सुना होगा। तो इससे जो प्रोटेक्शन देता है जो वैक्सीन, वही फ्लू वैक्सीन है। तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे कि किन बच्चों को फ्लू वैक्सीन की जरूरत है, किन लोगों में फ्लू बिगड़ने के हमेशा आसार ज़्यादा रहते हैं, यानी सीवियर इन्फ्लुएंजा होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, फ्लू वैक्सीन हर साल क्यों बदल जाता है, हर साल इसे लेना क्यों ज़रूरी होता है, साल के किस समय में हमको फ्लू वैक्सीन लेना चाहिए, इसके अलावा कितने डोजेस हमें लेने होते हैं, और ये फ्लू वैक्सीन जो है इसके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन यानी किस स्थिति में हमें इसे नहीं लेना चाहिए, इन विभिन्न विषयों पर आज हम बात करेंगे। आपके YouTube चैनल जॉयफुल पेरेंटिंग में डॉक्टर तिमिर में आप सभी यंग पेरेंट्स का स्वागत है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं कि किन बच्चों को हमें फ्लू का टीका देना चाहिए। तो 6 महीने के बाद के किसी भी बच्चे को दिया जा सकता है। 6 महीने से 8 साल की उम्र में हर बच्चे को ये टीका मिलना चाहिए। 8 साल से अधिक उम्र के बच्चों को स्पेसिफिक कंडीशंस में, यानी कि जिनको कि हम हाई रिस्क ग्रुप मानते हैं, उनमें हम फ्लू के टीके को कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन 8 साल की उम्र तक अमूमन हर बच्चे को ये टीका मिलना चाहिए। दूसरा सवाल कि कौन वो लोग हैं जिसमें कि फ्लू के बिगड़ने की संभावना ज़्यादा रहती है, यानी कि उनको अगर फ्लू होता है तो ज़्यादा संभावना है कि उनको हॉस्पिटलाइजेशन या वो फ्लू ज़्यादा सीरियस होगा और उनको भर्ती की जरूरत पड़ेगी। तो पहली बात कि वो बच्चे जो 5 साल से कम उम्र के हैं, गर्भवती महिलाएं, प्रेग्नेंट वुमेन। तीसरा कि जो एल्डरली लोग हैं, 65 साल से अधिक आयु के सीनियर लोग, डायबिटिक्स हैं जिनको शुगर की बीमारी है, ज़्यादा वजन वाले लोग, वेरी ओबीस पीपल, और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पीपल, यानी कि किसी वजह से, किसी बीमारी से, अगर उनकी बीमारी से लड़ने की क्षमता उनकी कमज़ोर है, वो लड़ नहीं सकते हैं बीमारी से, और किसी भी लंबी बीमारी से जो लोग ग्रस्त हैं, वो रेस्पिरेटरी यानी सांस की तकलीफ हो, वो दिल की परेशानी हो, किडनी की परेशानी हो, कोई ब्रेन से या न्यूरोलॉजिकल इशू हो, या लीवर की कोई परेशानी हो, तो किसी भी प्रकार का क्रॉनिक इलनेस यानी लंबी बीमारी अगर किसी भी प्रकार की चल रही है, इस सभी में बीमारी से लड़ने की क्षमता कम रहती है, तो इन लोगों को भी फ्लू का टीका जरूर लेना चाहिए। इस टीके को हर साल लेने की जरूरत क्यों पड़ती है? तो दोस्तों, अभी हाल में जैसे आपने कोविड के केस में भी देखा होगा कि वायरस जो है म्यूटेट होता रहता है, तो यही स्थिति इन्फ्लुएंजा के वैक्सीन के बारे में भी है कि वायरस हर साल म्यूटेट होता रहता है, नए वेरिएंट्स आते रहते हैं और नए वेरिएंट्स के अनुसार ही नई वैक्सीन बनाई जाती है। तो इसीलिए ये वैक्सीन के जो एक्सपायरी है ये 1 साल ही रहती है, अगले साल आपको नए वेरिएंट के हिसाब से नया टीका लेना पड़ता है। साल के किस वक्त पे आपको ये फ्लू का टीका लेना चाहिए? तो दोस्तों, कोशिश यही रहनी चाहिए कि फ्लू सीजन यानी मॉनसून के आने से पहले पहले आप इसको ले लें। तो अप्रैल से अगस्त के बीच में लेना इसका सबसे अप्रोप्रिएट टाइम है, जब इसका हम कहें कि फायदे सबसे ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन किसी वजह से अगर आप इस दौरान नहीं ले पाए हैं, तो आपको आगे अगले साल तक वेट करने की जरूरत नहीं है। उस स्थिति में आप जब भी अवेलेबल है उस वक्त आप उसका टीका ले सकते हैं, बट द बेस्ट टाइम इज बिटवीन अप्रैल टू अगस्त। इसमें कितने डोजेस की जरूरत पड़ती है? तो दोस्तों, जो बच्चे होते हैं उनमें एक प्राइमिंग होती है। प्राइमिंग का मतलब है कि 2 डोज उनको लगाए जाते हैं 1 महीने के अंतराल पर। मान लीजिए हमने 6 महीने पे शुरू किया, तो 6 महीने पे पहला टीका लगेगा और 7वें पे दूसरा टीका लगेगा। इसके बाद हर साल एक टीका लगेगा। लेकिन अगर बच्चा 9 साल से ऊपर का है तो उसे प्राइमिंग की जरूरत नहीं है। उस स्थिति में उसे शुरू में 2 टीके ना लेके सिर्फ 1 ही टीका लेने की जरूरत है। उसके बाद सालाना जैसे टीका लगता है उतना ही लगेगा। फ्लू वैक्सीन को लेने के कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन यानी कि किन परिस्थितियों में हम इसे नहीं लेना चाहिए। पहली बात, अगर अंडे को एलर्जी है तो आपको इसको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये वैक्सीन का बेस जो है ये अंडे के ऊपर होता है। दूसरी बात कि अगर पिछली बार कभी वैक्सीन लगने के बाद आपने किसी बहुत बड़ा रिएक्शन आया हो, और तीसरा कि अगर किसी वजह से आप फिलहाल बीमार हैं, पूरी तौर पर स्वस्थ नहीं हैं, तो भी बेहतर यही रहता है कि आप अगर वैक्सीन लेने का सोच रहे हैं तो उसे 1-1.5 महीने के लिए टाल दें। जब आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएं तब आप ये टीके को ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने बात की फ्लू वैक्सीन के विषय में कि इसको कौन कौन ले सकते हैं, इसका शेड्यूल क्या रहता है और इसे क्यों सालाना लेने की जरूरत पड़ती है। मैं उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगली बार हम बात करेंगे निमोनिया यानी PCV वाले वैक्सीन के विषय में। वीडियो को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।